my throat. तो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस यार आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ यार सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज दोबारा से खेलने वाले हैं द लास्ट डे रूल सर्वाइवल। बाकी यार आप प्रीव्यू में तो देख लिया होगा, बाकी यार ग्लाइडर मैं फ्री में ले चुका हूँ और मैं आपको यार बता देता हूँ कैसे मैंने फ्री में लिया। ये मेरे आज भी परमानेंट नहीं है, बस ये सर्वर का थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है जिसमें यार 29 टिकट में जो है आप एक क्रिएट लेंगे, मतलब कि होता है एक बॉक्स टाइप में। उसके बाद गाइज यार आप पे उससे यार एक ग्लाइडर निकाल सकते हो, वो भी अनबाउंड, इसको आप अपने टीममेट को दे सकते हो। तो गाइज यार ये मेरे निखिल भाई का है ग्लाइडर, बाकी उन्होंने निकाला तो उन्होंने एक चेस्ट में रखा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बताया ग्लाइडर है अनबाउंड वाला। तो मैं कहा ठीक है यार एक बार उड़ा के देखते हैं। तो बाकी ये देखो यार ये रहा ग्लाइडर। एक मिनट यार ये क्या हुआ, ये एक मिनट यार मेरा शायद फ्यूल ख़त्म हो गया, इस नाते मैं आधा ही दूर उड़ पाया। लेकिन कोई ना गाइज यार ये एक ग्लाइडर है मेरे पास यार, फ्यूल वगैरह तो है ही, बाकी इसमें डालते हैं। आप देख ही सकते हैं यार ये अनबाउंड है, मैं मरा तो यार ग्लाइडर चला जाएगा। बाकी यार मैं जाने वाला हूँ यार सामान लेके डिसमेंटल करने के लिए। तो कार्तिक भाई, कार्तिक कहाँ से आ गया। तो यार मैं वो निखिल भाई यार मेरे से बोल रहे हैं कि ग्लाइडर मेरा दे दो, तो मैंने कहा यार तुम जाने दो, मैं अभी डिसमेंटल करके लेके आऊँगा, उसके बाद यार तुम ले लेना। तो वो कहें कि ठीक है तुम ये वाला रख लो, मैं दूसरा निकाल लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गाइस यार अभी जा रहा हूँ अपना सारा सामान लेकर जो जिससे मेरे को एनर्जी माइन मिल जाए, क्योंकि यार इस गेम में अभी एनर्जी माइन ऐड हुआ नहीं है। और यार आपको सामान डिसमेंटल करने मिल जाएगा जिससे बनेगा आपका साइक्लोनाइड, क्योंकि यार हमें बेस को यार रेड करना है। तो ठीक है चलते हैं अपना उड़ते। बाकी यार ये ग्लाइडर कैसा आपको लगा, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। कोई बंदा देखेगा भाई मतलब बैस से निकाला, ये ऐसे बैस से ही निकलता है। लेकिन कोई ना गाइस यार अभी डिस्काउंट चल रहा है, ये हर एक सर्वर में अवेलेबल है। तो यार आप ऑपरेशन बेस खेल के जो है दो आईडी में खेल के एक आईडी में ट्रांसफर कर लेना, उसे यार आपको 29 टिकट से ज़्यादा तो मिल ही जाएंगे वैसे भी, क्योंकि यार मैक्सिमम एक में 18-12 मिल जाता है, तो आप निकाल सकते हो। तो ईजी है, बाकी यार ये अनबाउंड होता है तो यार आप मरोगे तो आपका ग्लाइडर यार चला जाएगा। लेकिन कोई ना गाइस यार मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार मैं मरता हूँ तो मेरा सामान नहीं आता है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ एक ट्रिक जो कि यार मैं ट्रिक नहीं है यार, बस ऐसे ही नहीं गिरता है, लक मेरा साथ देता है। तो ठीक है गाइस, जब मैं गैराज जाने से पहले यार मैं इधर जा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को चाहिए कि मोटरसाइकिल, और यार ये मोटरसाइकिल से मैं कहीं पर जाने वाला हूँ। बाकी यार अपने बेस में हो मोटरसाइकिल तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, क्योंकि यार ड्रॉप वगैरह आता है तो यार उसमें जाना पड़ता है। तो ठीक है यार गाइस, ओके नीचे फैटी है, कहीं मैं मरूँ ना, ओके गाइस फटा हुआ, लेकिन मेरे को उतना डैमेज नहीं आया क्योंकि मैंने पहना हुआ है भाई यार आयरन का सेट। तो ठीक है, बाइक देखते हैं बाइक है या नहीं है। तो ओके गाइस यार बाइक है या नहीं है, मेरे को यार दिख तो नहीं रहा। बाकी यार मैं कंपोनेंट लो के आया हूँ, बाकी यार ये 30 फ्यूल लेता है तो मैं फ्यूल निकाल लेता हूँ। तो गाइस यार ओके गाइस सामने ही है बाइक, तो ठीक है बाइक से चलते हैं गैराज में और जितना भी अपने पास सामान है उस सबको यार ले चलते हैं डिसमेल्टर मारने के लिए, क्योंकि इससे अपने को मिलेगा एनर्जी माइन। तो ठीक है गाइस यार चलते हैं, अपना बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं गैराज स्टेशन की ओर। तो ये रहा बाइक अपना, इसमें डालते हैं अपना फ्यूल। बाकी यार मैं इस वीडियो में यार काफ़ी सारे बेस को रेड किया है और यार अपना बाइक तो सबसे टॉप पर ही है क्योंकि मैं ही हूँ। तो ठीक है यार अपना बाइक हम ले लिए हैं, तो यार अब यहाँ से चलते हैं राइडिंग करते हुए। तो गाइस यार हम आ चुके हैं अपना गैरेज में और मैं सारा सामान अपना डिसमेंटल के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी अपना जो है एनर्जी माइन वाले जितने भी सामान मैं इसमें रख देता हूँ। बाकी मेरे पास थोड़ा बहुत फार्मिंग था, वो होता है ना क्लोथ वाला जिससे आइटम मिलता है, एक मिनट इसको मैं मारता हूँ। ठीक है आए होते यार थोड़ा बहुत फ्यूल भी फार्म कर लेते हैं अपने ग्लाइडर के लिए। तो यार इसमें देखते हैं, तो गाइस यार मैं अपना सारा सामान यहाँ डिसमेंटल कर रहा हूँ क्योंकि अपने को चाहिए एनर्जी माइन। तो ठीक है एक मिनट यार मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, ये मेरे को क्यों नहीं पीस रहा है। तो कोई ना गाइस ये गंदा जोक तो मैं जानता हूँ, लेकिन कोई ना यार अपना सारा सामान इसमें से निकालते हैं। तो गाइस यार मैं वहाँ से आया और अभी हम जाने वाले हैं रेड करने के लिए। बाकी यार मेरे पास जितना देख लो यार कितना कंपोनेंट अपने को मिला, बाकी मेरे पास 42 यार क्रूड ऑयल है, क्योंकि मैं ऑयल रिफाइनर में डाल के अच्छे से कर लूँगा फ्यूल में। तो गाइस यार मैं आया मतलब कि बेस में था ही, तभी मेरे को नोटिफिकेशन आया कि ड्रॉप आ चुका है। मैं मतलब कि मैप खोल के देखा तो मेरे को वो मिलिट्री बेस है ना, मिलिट्री बेस वहाँ मेरे को देखने को मिला। तो मैं कहा ठीक है चलो यार करते हैं, इसमें कोई भी बंदा यार ऑनलाइन नहीं है मेरी टीम से, तो मैं अकेला ही आया हूँ। बाकी मेरे पास मोटरसाइकिल था यार, तो मैं फटाफट से आ गया पूरा एकदम बूस्ट दबा कर,
क्योंकि मेरे को जल्दी आना था। बाकी यार अभी ड्रॉप गिरा अभी तो ठीक है, अभी कोई बंदा है नहीं। बाकी मैं रिपोर्ट वगैरह भी चेक करता रहूँगा, कोई बंदा आया तो ट्राई करेंगे यार मारने का, क्योंकि मेरे पास अच्छा गन भी है और आर्मर वगैरह तो है ही। बाकी यार मेरे ख्याल से शायद एक बजूका मेरे को लेके आना चाहिए था, क्योंकि यार बजूका होता तो मेरा मारने की मरने का चांस मेरा कम तो होता। तो ठीक है यार अपना मोटरसाइकिल इधर लेके आ जाते हैं, क्योंकि यार कोई बंदा आया तो मेरा मोटरसाइकिल लेके कहेगा भाई कोई बंदा है। तो ठीक है गाइस यार मैं यहाँ पे अभी कैंप करने वाला हूँ, फ्यूल वगैरह अपना निकाल लेते हैं। भाई यार फ्यूल तो मैं बहुत ज़्यादा ही लेके आ गया। बाकी यार मेरा फ्यूल का मतलब कि अंदाज़ा यार काफ़ी गलत है, मेरे को समझ नहीं आता यार 200 फ्यूल में कितना मतलब किलोमीटर चल जाएगा और ये इसमें कहाँ पता चलेगा कितना किलोमीटर दूर है। तो ठीक है रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं। तो ठीक है गाइस यार अभी कोई बंदा है नहीं, सब मेरे ही बंदे हैं टीममेट के। तो ठीक है गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपना कैंप करने के लिए मिलिट्री बेस पे, क्योंकि यार टाइम हो चुका है और 9 मिनट था और यार कुछ मिनट और बाकी है, यार ये 1 या 2 मिनट होगा, तो देखते हैं यार कितना मिनट है। ओके गाइस यार 7 सेकंड है यार, मैं तो गलत कैलकुलेशन कर बैठा। तो ठीक है गाइस अभी तक तो कोई बंदा आया नहीं, बाकी मैं समझ गया कि ये ड्रॉप मेरा ही होने वाला है, तोड़ते हैं। तो गाइस यार अपने को कुछ खास मिला नहीं पॉइंट को, यार जो पॉइंट होता ना पॉइंट उसमें मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार मैं पॉइंट के लिए नहीं बैच के लिए ना ही पॉइंट के लिए, यार मैं वैसे से मज़े के लिए खेल रहा हूँ। बाकी मेरा यूट्यूब पर भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, तो मोटिवेशन मिलता रहता है यार गाइस वीडियो बनाने का, इसी तरह यार आप सपोर्ट दिखाते रहना। बाकी ठीक है अभी मैं आ चुका हूँ गाइस यार ड्रॉप टाइम पर और मैं इस समय यार दुकान पर हूँ। बाकी यार आप यार एक बार देखो, ड्रॉप गिरा अपना अमांडेड में, एक गिरा अपना बायोकेमिकल पे, यानी कि वो मेरा तो चाइनीज़ भाई यार वहाँ पे जा चुका था और भी यार बैज वगैरह इधर ही लेके आ रहा है। बाकी अमांडेड में देखो मैं सल्फरिंग कर करके यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे कोई बंदा मेरे को नज़र नहीं आया। बाकी यार यहाँ पे एक बेस है जो कि अपने चाइनीज़ भाई का ही है। तो ठीक है गाइस यार मैं समझ गया यार एक अमांडेड में एक बायोकेमिकल पे, यही दो जगह यार बैज गिरता है। तो कोई ना गाइस यार आप देख सकते हैं बिना आर्मर और बिना गन का मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी यार देखते हैं निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। बाकी यार अपना चाइनीज़ तो उधर से आ ही रहा है, अपने चाइनीज़ भाई आ जाएंगे यार तो कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि यार वो पीवीपी में बहुत ही अच्छे हैं। तो ठीक है यार नेट यार मेरे नेट ग्लिच है, मैं बोला यार मैं दुकान पे हूँ। तो ठीक है गाइस यार अपना चीज चलते हैं अंदर। तो ड्रॉप तो खुला हुआ है तो उसको ये तोड़ते हैं। तो क्या अपने को यार फ्लेयर गन एंड बैज मिल चुका है, यानी कि दोनों बैज हमारे हाथ में ही है। तो यार ठीक है एक बैच तो वो लेके आ रहा था कि यार एक बैच मैं लेके यहाँ से जा रहा हूँ। तो क्या गाइस यार अभी तो कोई है नहीं मेरे से ऊपर, तो अपना दोस्त यार इधर आ गया। बाकी मैं अपना बैच यार फ्लेयर गन यार इसको दे देता हूँ, क्योंकि इसके पास आर्मर है, मेरे से यार कोई भी मार के छोड़ सकता है, क्योंकि मेरे पास घंटा कुछ है नहीं। तो ठीक है इसके पास सब कुछ है, ये बचा लेगा बैच को। तो इसका यार सामने बेस भी, अगर ये बेस में ले धर देगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है गाइस यार इसको मैंने बैच दे दिया था और यार अपने बेस में आ चुका है, बाकी ये मेरे को बुला रहा है। ठीक है यार देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। बाकी यार ये चाइनीज है तो मेरे को इसका भाषा समझ में आता तो है नहीं, मैं थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ चाइनीज नहीं इंग्लिश में थोड़ा बोलता है ना, तो इंग्लिश तो बाकी मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। बाकी मेरी इंग्लिश तो एक मिनट यार की बैच क्यों दे रहा है। तो ठीक है गाइस यार अपना ये सारा एमओ वगैरह और यार गन वगैरह सब कुछ ही मेरे को दे रहा है, आर्मर वगैरह भी। तो यार ये सब सामान मेरे को दे रहा है शायद से ले जाने के लिए, बाकी यार मैं कैसे ले जाऊंगा क्योंकि अपने पास तो कोई यार जीप वगैरह या कार वगैरह है नहीं। तो गाइस यार देखते हैं यार कैसे लेके लेके जाऊंगा यार मैं बेस में अपना जो है बैज। तो ठीक है इसके कैबिनेट तो यार इधर ही, मैं कैसे जाऊँ यार बाहर, मेरे को पासवर्ड ये दे देता तो ज़्यादा सही रहता। तो ठीक है गाइस यार अभी मेरे को ये पासवर्ड वगैरह तो दे नहीं रहा है। तो ठीक है तो गाइस यार मैं यहाँ पे बाहर निकला साइकिल निकालने के लिए, तभी यार एक बंदा यार मेरे को यहाँ मार देता है। बाकी आप जानते हैं यार मेरे नेट सही चला। बाकी यार कमाल की बात तो ये यार एक बैच गिरा और एक बैच और फ्लेयर गन और जितना भी एम वगैरह था सब मेरे पास ही है, तो अपना कुछ गया नहीं बस एक बैच गया, बाकी कोई ना गाइस यार वो तो हम रेड करके निकाल ही लेंगे, क्योंकि रेड करने में अपने को आएगा मज़ा। बाकी यार आप देख सकते हैं एक आईडी पर है ही, बंदा भी परेशान हो गया गाइस यार कि कैसे हो सकता है बैच दोनों गिरा कैसे नहीं एक ही गिरा। और गाइस यार तो ठीक है हम अपना बेज यार सही सलामत लेके आ चुके अपने बेज भैया। बाकी यार मेरे को पता नहीं था यार कि सेल्फ फायरिंग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं बैज नहीं गिरेगा, तो मैं बेज के अंदर से यार सेल्फ फायरिंग करके आ जाता, बाकी बाहर मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं था। तो गई यार मैं लगी आया बेस में, तभी चाइनीज़ भाई ने यार उससे मार कर जो है बैज ले लिया। बाकी अभी मेरे पास यार दोनों का दोनों बैज है, आप देख सकते हो आईडी पर ही है ही। तो ठीक है एक बैज मैं यहाँ पे रख देता हूँ और बाकी यार दूसरा बैज मैं यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती मतगश्ती क्या करें। तो ठीक है मेरा जो दोस्त है देखो यार उधर अपना खड़ा हो चुका है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है मैं यार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका,
बंदा भी याद रखेगा गाइस यार कि हाँ सर्वर में हम ही लोग जीत गए हैं। तो देखो गाइस यार मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और यार वो खुश हो जाएगा अब, क्योंकि यार 40 बंदों में से यार हम ही बंदे हैं जो है टॉप पर हैं। और ठीक है, बाकी यार मैंने ग्लाइडर भी ले रखा था और मैं यार जब यहाँ उड़ा ना तो मेरा जो दोस्त है एकदम हैरान हो गया, बोल रहा है यार कैसे निकाल लिए कैसे निकाल लिए, वो मेरे से पूछने लगा। तो मैं कहा गाइस यार ये तो मैं नहीं बताने वाला। तो यार अपना दोस्त यार मेरे से ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा तो मैं उसको बता दिया। बाकी यार अपना बैज इधर है, बाकी अपना दोस्त उधर ही है, बाकी अपना बेस देख ही लो कितना बड़ा है। तो ठीक है चलते हैं एक बार उसको भी देते हैं, वो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। और तो उसके यार मैं अपना ग्लाइडर दे देता हूँ। तो ठीक है गाइस यार मैं अपना ग्लाइडर उसको दे देता हूँ ट्रस्ट डिस्कार्ड करके। तो यार ग्लाइडर वो ले लिया, ले भाई ओके। तो ठीक है मेरे ख्याल से उसको यूज़ करना आना चाहिए। बाकी मैं बैज वगैरह यहाँ से उठा लेता हूँ, पता चला कि और बंदा आया ग्लाइडर से उड़ते उड़ते और बैज उठा ले गया। तो गाइस यार मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया था, बाकी मेरा दोस्त इसे उड़ा नहीं पा रहा था। तो मैं एक बार चेक किया तो देखा यार इसमें फ्यूल नहीं है। तो कोई ना गाइस यार तभी यार मेरे दोस्त का यार कॉल आ जाता है, भाई अपने निखिल भाई बोलते हैं कि अंडरग्राउंड टनल की ओर जाओ, तुमको एक छोटा सा बेस मिलेगा यार उसको उड़ा देना, उसमें से यार अपने को काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग मिल जाएगा क्योंकि उसको कहीं से खबर मिला था। तो ठीक है गाइस यार मैं आ चुका हूँ अपना अंडरग्राउंड टनल पे। बाकी ये रहा बेस, नहीं ये तो नहीं, ये तो वुड का है, बाकी उसने बोला यार स्टोन का है। तो ठीक है एक बेस यहाँ पर भी है तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बाकी मेरे को नहीं पता यार बंदा उसमें ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब कैंपिंग बेस में नहीं होता है। तो यार चेक करते हैं, बाकी यार यही स्टोन वाला बेस, तो एक बार यार इसमें हम चक्कर लगा के देख लेते हैं। तो ठीक है गाइस मैं अपने आर्मर वगैरह पहन लेता हूँ, पता चला बंदा आया तो मेरे को फाइट करना पड़ेगा। तो यही रहा यार 2x2 का यार बेस है, पता नहीं अपने को इसमें से क्या ही मिलेगा। बाकी अपना दोस्त बोल रहा है कि यार कि अगर इस बेस को रेड करोगे तो तुम्हारा बैग फुल हो जाएगा, बस देखते हैं यार फुल होता है कि नहीं। यार नहीं होता है, बाकी यार बम इधर से लगा लेते हैं क्योंकि गेट वगैरह तो है नहीं। तो 10 बम पूरे लगने ही वाले हैं क्योंकि यार 10 बम में यार एक वॉल टूटता है। तो ठीक है आप देख सकते हो ओके गाइस यार सबका सब वुडन चेस्ट है, बस चेक करते हैं। तो ओके गाइस यार एक मिनट यार ड्रॉप भी आया। तो ठीक है गाइस यार आप देख सकते हैं इतना सारा लूट अपने को मिला। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो बंदा रहता था यार यहाँ पे रूम वगैरह करता था अपना अंडरग्राउंड टनल में ही, और फार्मिंग वगैरह आई थिंक कहाँ करता होगा यार मेरे को तो नहीं पता। तो ठीक है क्या था यार कैबिनेट पे नाम लिखा हुआ था किस बंदे का है ये बेस। तो ठीक है गाइस यार वो सही कह रहा था, अपना बैग यार फुल होने वाला है। मेरे ख्याल से यार एमओ वगैरह मेरे को नहीं लेके आना चाहिए था। ठीक है यार एक मास्क भी है उसको भी उठा लेते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए। तो गाइस यार ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं यार कितना सारा अपने को यार लूट वगैरह तो मिल चुका है। बाकी यार ये सब फेंक देते हैं क्योंकि यार कैबिनेट में भी काफ़ी सारा लूट पड़ा हुआ है। तो ठीक है गाइस यार आयरन तो अपने किसी काम का नहीं, बाकी स्टोन अपने काफ़ी काम का है क्योंकि अपने बेस को स्टोन में अपग्रेड करना है, उसके बाद ही आयरन में होगा। बाकी यार अपने बेस में जो है आयरन काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है जिसको हमें यूज़ करना है। तो उसके बाद यार मैं आ गया अपने बेस में और यार फ्लेयर गन था मैंने इसको आसमान में चला दिया था। तो मेरा दोस्त यार देख सकते यार कितना मज़ा ले रहा है ग्लाइडर का, मेरे ख्याल से यार शायद आज ही निकाला है, आज ही उसको तोड़ डालेगा, कह रहा आधे से ज़्यादा हेल्थ इसका कम हो चुका है। तो ठीक है गाइस यार उसको मज़ा लेने दो, बाकी यार अपना जो है ड्रॉप पे आने वाला है। बाकी यार बैग तो दोनों अपने पास यार देख सकते हो गाइस यार कितने प्रो बंदे हम लोग। तो देखते हैं गाइस यार अभी मेरा दोस्त भी यार मेरे साथ यहाँ पे आ चुका है। बाकी यार इसमें यार तीन एमओ था, पता नहीं अभी एक ही कैसे हो गया। बाकी मैं अभी यार बैकपैक एक मिनट यार गाइस यार। तो ठीक है गाइस यार अपना ड्रॉप पता नहीं कब तक आएगा, बाकी आवाज़ तो मेरे को आ रहा है कहीं से एयरप्लेन का। तो एक मिनट गाइस यार किधर है एयरप्लेन, तो गाइस मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस यार देखो एयरप्लेन का आ गया है ऊपर ही एयरप्लेन। तो ठीक है गाइस यार ड्रॉप देखते हैं कैसे गिरेगा। एक मिनट गाइस यार प्लेन के यार आने से पहले ही ड्रॉप गिर रहा है आप देख सकते हो। तो ठीक है गाइस यार मैंने बीच में चलाया था तो बीच में गिरना चाहिए था इसको। तो गाइस यार किधर गिरेगा, ओके गाइस यार ये नीचे चला गया। तो कोई ना गाइस यार पता नहीं इसमें ड्रॉप्स अपने को क्या मिलेगा, मेरा दोस्त कह रहा है इसमें कुछ खास मिलता नहीं है तो इसको अनलॉक कर देते हैं। तो बाकी यार गाइस बाद में देखेंगे इसमें क्या मिलता है, 9 मिनट या 10 मिनट लगेगा। तो गाइस यार इसके बाद हम चले आते हैं यहाँ पे एक बंदे का भैंस उड़ाने के लिए, क्योंकि उसके बाद भैंस कहाँ उड़ाने, बेस उड़ाने के लिए। तो चलते हैं। तो गाइस मैं जब यहाँ पे आया ना तो गाइस यार वो बंदा जो अपना बेस यहाँ पे अपना ही खुद का यार बेस उड़ा कर यार चला गया। बाकी यार मैप में देख ही सकते यार पानी में वो कहीं जा रहा है। तो ठीक है गाइस यार कोई ना, शायद से पानी में डूब के मर गया। बाकी मेरे को यार समझ नहीं आया कि बंदे के पास इतना लूट था तो गाइस यार वो क्यों नहीं, मतलब कि थोड़ा सर्वर में थोड़ा रुका।
बाकी इसने यार डिमोलिश के लिए हो सकता है यार इसके पास है बम वगैरह ना हो, उसे वो समझ गया होगा किसी ने तो यार लूट वगैरह यहाँ पे डिस्पॉन करवा के जा रहा है वो। तो कोई ना गाइस यार चेक करते हैं अपने को बम मिलता है कि नहीं। बाकी सल्फर वगैरह तो अपने को मिला ही है। तो गाइस यार स्टील स्टील अपने को मिला ही नहीं यार, इसका बेस यार स्टील से उससे अपग्रेड था टाइटेनियम से। बाकी यार दोनों चीज़ मेरे को नहीं नज़र आ रहा कहीं पर भी, इसमें देखते हैं गाइस इसमें भी नहीं है। तो ये सबसे ऐसे मेरे ख्याल से ये सब फर्नेस है, ये फर्नेस की लूट है। तो कोई ना गाइस यार, लेकिन यार मेरे को बड़ा बुरा लगा क्योंकि यार वो सर्वर ही छोड़कर भाग गया। बाकी यार वही एक टक्कर का हंदा था थोड़ा, तो ठीक है गाइस यार इसमें भी अपने को थोड़ा बहुत सल्फर वगैरह तो मिला ही गया। बाकी यार कुछ खास लूट है भी नहीं, सल्फर ही मेरे को ज़्यादा मिला। इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें चारकोल है यार, चारकोल की यार अपने पास कमी नहीं है, सल्फर की कमी है। तो सल्फर उठाते हैं, इसमें देखते हैं ये तो कैबिनेट का ही शायद, हाँ ये कैबिनेट का ही है। तो अपने भी यार आयरन वगैरह तो है, तो आयरन तो मिलेंगे ही। बाकी इसमें यार मेडिकिट वगैरह है, उसमें देखते हैं क्या है, इसमें वही चीज़ है, ये सब फर्नेस की लूट है। बाकी यार देखते हैं ऊपर भी, देखो यार टाइटेनियम से अपग्रेड है और मेरे को यहाँ टाइटेनियम नहीं मिला, यानी कि बंदे ने यार अपना साइक्लोनाइड और टाइटेनियम एंड स्टील ये सब यार पानी में लेके चला गया। बाकी यार मैं पानी में कहाँ उसको खोजने जाऊँ। तो ठीक है गाइस यार अपना यहाँ पे मैंने कैबिनेट लगा दिया है, इसको तोड़ते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या लूट मिलता है अपने को। तो ठीक है गाइस यार आप देख सकते हो, तो ठीक है गाइस यार ऊपर से तो कुछ लूट गिरा नहीं। बाकी यार नोटिफिकेशन आया तो ठीक है, कुछ नहीं मिला हमें, काफ़ी बुरा लग रहा है हमें। बाकी मैं माउंटेन बाइक पता नहीं क्यों उठा लेता हूँ, बाकी रॉकेट सेल उठा दे, ओके गए थे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उठाते हैं क्योंकि यार हमें और भी बेस रेड करने में। एक मिनट गाइस यार मैंने एनर्जी माइन देखा, ओके गाइस यार मैं एनर्जी माइन भी उठा लेता हूँ। तो गाइस यार हमें तो कुछ खास मिला नहीं, मतलब कि सल्फर वगैरह तो अपने को मिला, लेकिन एक मिनट यार फॉलो में क्यों कर रहा है। तो ठीक है गाइस यार अपना फ्यूल देख ही सकते हो यार कि हमें हमारे पास कितना ज़्यादा सल्फर है, मतलब किस बंदे से हमें मिला है। तो गाइस यार बम वगैरह अपने को नहीं मिले, तो गाइस यार अपना फ्यूल वगैरह तो हमने उठा लिया है। तो ठीक है गाइस यार कुछ अपने को खास मिला नहीं। उसके बाद हम आए यार यहाँ पर बेस में, और यार जितना भी सामान है अपना यार लगे जो चेस्ट वगैरह है उसमें हम रखते हैं। बाकी यार आते वक्त यार हमने एक और बेस देखा था जो कि बड़ा तो नहीं था लेकिन मैं ठीक ठाक था, रेड करने लायक था। तो हमारे पास बम वगैरह तो है ही क्योंकि यार हमें उसे बंदे पर रेड करना वगैरह था। तो बंदा तो भाग गया अपना जो है बेस है उड़ा कर अपना खुद का ही। तो यार इसमें हम रख देते हैं जितना भी है, फर्नेस स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें भी सब अपने को ज़्यादा सल्फर मिल जाएगा। बाकी यार बम वगैरह है तो यार हम जो है मतलब कि मज़ा लेना है गेम का यार, तो हम जाएंगे यार उस बेस को रेड करने के लिए। तो ठीक है गाइस यार, तो यार हम जो है अपना बम वगैरह दिखा देता हूँ कि कितना मेरे पास बम है। तो देख लो यार इतना ज़्यादा अपने पास साइक्लोनाइड और हैंड बम ऑयल बम इतना सारा सब कुछ है। तो ठीक है गाइस यार मेरा दोस्त बोल रहा है कि यार जल्दी चलो रेड करते हैं और यार सो जाते हैं क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है गाइस यार हम जो है यहाँ पे आ चुके हैं इस बेस को रेड करने के लिए। बाकी यार आप देख सकते हो यार कितना बड़ा बेस है, इसको यार इस बेस को यार हम रेड करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा रेड करने में क्योंकि 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 क्या गाइस यार अच्छा है मज़ा आएगा इसको। मैं यार पहले यार मैं डोर में बम लगा देता हूँ। तो एक मिनट गाइस यार अपना दोस्त क्या कह रहा है, इसको यार गन वगैरह चाहिए था तो मैं इसको यार गन वगैरह इसका दे देता हूँ। तो ये ले लो और ये सब एमओ वगैरह भी इसको दे देते हैं, क्या पता यार अपने को पीवीपी करने को थोड़ा मिल जाए इन बंदों से, कब पता कि मतलब कि क्या पता कभी भी ऑनलाइन आ जाए। ठीक है गन वगैरह मैंने इसको दे दिया है। बाकी यार अभी आते हैं इसका, सबसे पहले यार गेट उड़ाते हैं ताकि अंदर का देखा जाए नज़ारा कैसा है इसका बेस का। बाकी यार आई होप यार इससे यार बम वगैरह स्टील वगैरह अपने को मिल जाए, अंदर टाइटेनियम का बेस हुआ ना तो और मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है यार अभी दो बम और लगेंगे, दो या एक, दो लगा देते हैं देखते हैं। तो ठीक है कैसे एक ही बम में टूट गया था, बाकी अपना एक बम तो नुकसान गया लेकिन कोई ना गया यार चलता है। तो बेस तो सही है 4x4 का या 6x6 का इतने एरिया यार। तो ओके गाइस यार अपने को यार एक सीढ़ी चाहिए, तो यार हम क्या करेंगे यार इसको पहले यार यहाँ पे जो है इसको उड़ाते हैं, इसके सेंटर में लगाते हैं यार ताकि चारों ओर इसके यार डैमेज जाए। तो ओके गाइस यार हम इसमें लगा देते हैं। बाकी आप देख सकते हो
सकते हैं यार, एक दो बम और लगेगा, एक से दो बम और लगेगा यार, तो इसमें लगाते हैं। तो ठीक है गाइस यार, अपना टूटा तो वॉल, और एक मिनट गाइस यार, ये क्या यार, अपना यार पॉपअप हो गया, क्योंकि यार ये 2x2 का अंदर यार इसका बेस है और स्टील से यार अपग्रेड भी नहीं है ये, तो अपने को कुछ खास लूट तो मिलने वाला है नहीं। फिर गाइस यार यहाँ पे एक शॉटगन ट्रैप था, तो मैंने इस पे यार पता नहीं क्यों हैंड बम लगा दिए, तो कोई ना गाइस यार इसको उड़ाते हैं। यार टूटा नहीं, कितना जान है इसमें। तो यार उधर फर्नेस एयर में उधर का कवर ले सकता हूँ और उधर शॉटगन ट्रैप नहीं है, तो ठीक है गाइस यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कवर एक के, क्योंकि यार उधर भी एक शॉटगन ट्रैप है, मेरे को दोनों से पड़ रहा है। तो यार इधर मेरे को स्टील का गेट दिख रहा है, तो यार इसमें क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं अपना 3 या 4 बम। एक मिनट गाइस यार मेरा लैग, तो ठीक है गाइस इसमें लगाते हैं, डोर में 3 लगेंगे यार, 3 से अपना यार काम हो जाना चाहिए। तो ठीक है गाइस इसमें बम लगाते हैं, कैसे मैंने बम लगा दिया, तो अभी मैंने टूटा यार 2 या 3 हैंडमेड में टूट जाना चाहिए, 2 मैंने लगा दिया है बाकी यार। ठीक है ओके गाइस यार अपना जो इसने मतलब कि मैंने यार इसका देख लिया, कुछ खास बेस है नहीं, ओपन बेस है, और यार पता नहीं कैसा इन बंदों ने यार बेस बनाया, कम से कम यार रूफी और वो होता है ना रूफी और डोर डबल डोर लगा के तो रखना चाहिए था। तो ठीक है गाइस यार मैंने यहाँ पे इसका कैबिनेट उड़ाया, बाकी इस बेस के मालिक अभी समय हम हो चुके हैं, एक कैबिनेट यार यहाँ बनाते हैं। और यार अपना अब बताने यार गाइस यार कि हमने कितना बम इस बेस पे लगाया और यार अपने को कितना फ़ायदा हुआ। तो ठीक है गाइस यार अपना आयरन वगैरह इधर से उठा लेते हैं, लूट वगैरह देखते हैं, कुछ खास तो मिला नहीं अपने को, कैबिनेट लगाते हैं यार इसका, देखते एक मिनट गाइस यार वो मेरे दोस्त को मारने लगा ये शॉटगन ट्रैप, क्योंकि यार मैंने उसको टर्फ वगैरह नहीं दिया था, तोड़ देते हैं इसको पहले, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे दोस्त का बैग यहीं पर ही है तो कहीं दूर नहीं जाने वाला है। तो ठीक है गाइस अपने को कुछ खास लूट तो मिला नहीं, बाकी इसका हमने यार चेस्ट वगैरह देखा, कुछ खास तो है नहीं इसके पास, इसमें भी यार एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है गाइस यार अपने को कुछ खास तो मिला नहीं, इसमें एक बार देखते हैं इसमें क्या है। ओके गाइस यार अपने को यार 152 जीपी मिला यार, इससे क्या होगा अपना, अपने पास यार क्रूड ऑयल अपने को मिला, और यार इसका बेस यार उड़ा देते हैं। तो ठीक है बेस इसका यार उड़ाते हैं और इस रेड को कंप्लीट कर देते हैं, बाकी इसको भी यहाँ साइड से उड़ा देते हैं, पूरा बेस यार यहाँ से हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। यार बंदे जब सुबह ऑनलाइन आएंगे कहेंगे ये क्या हुआ मेरा बेस कहाँ गया। तो ठीक है गाइस यार बड़े बड़े बेस अपने नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यार वो हमारे बेस पर रेड कर दें। और यार इस बेस से हमें थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल मिला, जिसे यार हम फ्यूल बना के अपने जनरेटर में डाल देंगे, और इससे क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट यार चालू रहेगा और अपना बेस कोई रेड नहीं कर पाएगा। इसको भी उड़ा देते हैं। तो ठीक है गाइस यार